तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई भी एक दुकान है और उस दुकान पे कोई भी एक आदमी आता है आपके दुकान से सामान खरीदने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ भी वो आदमी आपके दुकान से सामान खरीदा, फिर उसका बाद यहाँ पे बारी आता है उस सामान का पैसा देने की। और यहाँ पे मान लीजिए कि आप उस आदमी से पैसा खोजिए कि इसका कुछ इतना पैसा हो रहा है, आप मुझे पे करो। मान लीजिए कि वो आदमी डायरेक्टली आपको बोल रहे कि पैसा नहीं दूंगा, पैसा अगर तुम मांगते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो फिर आप क्या सोचोगे और आपके अंदर क्या बीतेगा और आप क्या करना चाहोगे वो तो फिर आप ही समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करने वाला हूँ और क्या होने वाला आज के इस वीडियो में सारा कुछ मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता रहूंगा। सो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को जैसे ही पता होगा कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है bittumadak.07। तो उस पर दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऐसे भाई है जहाँ पे मुझे मैसेज करते, कुछ भी पूछते, कुछ भी प्रॉब्लम होता है उन लोग के साथ तो कुछ भी पूछते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोग का रिप्लाई दे देने की। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी के बीच एक मेरे पास मैसेज आया कि भाई क्या आप स्पॉन्सरशिप करना चाहोगे। तो फिर मैंने बोला ऑब्वियसली क्यों नहीं करना चाहूंगा, ठीक है मैं अपना चैनल पर स्पॉन्सरशिप करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपका डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड का कितना प्राइस है, आप मुझे प्राइस बताओ डेडिकेटेड वीडियो का एंड इंटीग्रेटेड वीडियो का। फिर मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज करके उनको भेज दिया कि कितना मेरा डेडिकेटेड वीडियो का प्राइस है, कितना इंटीग्रेटेड, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ऐसा कुछ बात हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि किस चीज का प्रमोशन करवाना है। फिर उन्होंने बताया कि एक ऐसा मैं पैनल है जिसका प्रमोशन करवाना है आपके चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि पता होगा कि आज के डेट में काफी सारे ऐसे एसएमएम पैनल आ चुके हैं, वेबसाइट और काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोग दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोवर, यूट्यूब पर वॉच टाइम सब्सक्राइबर आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो कुछ पैसा दे करके। तो ये ऐसा कुछ वेबसाइट के बारे में उन्होंने बताया, उस वेबसाइट का लिंक भी मुझे सेंड किया, उस वेबसाइट को मैंने देखा, अच्छा से देखा तो मुझे ठीक ठाक लगा, यूट्यूब पर भी काफी मैंने रिसर्च किया। उसके बाद मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है मैं वीडियो बना दूंगा। फिर उन्होंने क्या कहा मैं आप लोग को चलिए एक वॉइस मैसेज के जरिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। कुछ उन्होंने एक वॉइस मैसेज मुझे सेंड किए थे, उस वॉइस मैसेज को मैं आप लोग के सामने प्ले करता हूँ। भाई हमारा पैनल है ठीक ना, जैसे कि भाई हमारा पैनल होता है ना, पैनल सोशल मीडिया का पैनल, उसी तरह भाई हमारा एक पैनल है ठीक ना। तो भाई उसी का एडवर्टाइज करना है, जैसे कि बहुत कोई को अपना बिजनेस मतलब कुछ भी अपना जैसे प्रमोशन करवाना रहता है ना, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फॉलोवर कुछ भी चाहिए होता है, तो उसी तरह का भाई हमारा पैनल है, वहाँ से परचेज किया जाता है, उसी का है भाई। इंटीग्रेटेड वीडियो रहेगा, 30 सेकंड का वीडियो रहेगा। तो दोस्तों इस वॉइस मैसेज में आप लोगों को क्या देखने को मिला कि वो बोल रहे कि एक इंटीग्रेटेड वीडियो बनाना है, कुछ एक मेरा एसएमएम पैनल है, उस एसएमएम पैनल पर इंस्टाग्राम फॉलोवर, यूट्यूब सब्सक्राइबर इस प्रकार बाय किया जाता है। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि ठीक कर लूंगा, ठीक है मैं इस तरह का वेबसाइट का मैं अपने चैनल पर प्रमोशन करता हूँ और मैं काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही प्रमोशन करता हूँ, तो मुझे अच्छा खासा लगा हुआ वेबसाइट। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने बताया कि चलो तुम वीडियो बनाओ और मुझे अनलिस्ट लिंक सेंड कर देना। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कुछ भी आपको बताना नहीं है वेबसाइट के बारे में और ना ही कुछ भी एप्लीकेशन के बारे में, कुछ भी आपको नहीं बताना है भाई। मेरा फोन नंबर आपको अपना वीडियो पर दिखा देना है, मेरा फोन नंबर बता देना है कि अगर आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइबर चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, इंस्टाग्राम फॉलोवर चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, ये आपको देगा इंस्टाग्राम फॉलोवर सब्सक्राइबर जो भी ओवरऑल सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक वीडियो तो बना दिया और इंटीग्रेटेड वीडियो बनाने के लिए बोला 30 सेकंड का। 30 सेकंड मतलब आप लोग समझ सकते हो इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड मतलब क्या होता है, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि एक इंटीग्रेटेड 30 सेकंड का वीडियो बना करके तुम अपना कोई भी कंटेंट के साथ अटैच करके तुम मुझे अनलिस्ट लिंक सेंड करो। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं वीडियो बना करके तुमको सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो तो बना दिया, फिर उसको मैंने अनलिस्ट लिंक सेंड कर दिया अपलोड करने के बाद। अब दोस्तों अब क्या हुआ कि कम से कम 6-7 घंटा तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, मैंने अनलिस्ट लिंक सेंड करने के बाद कुछ भी उसके पास कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर मैंने डायरेक्टली उसको एक बार फोन किया तो किसी तरह फोन तो रिसीव कर लिए। अभी वो बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो और 2-4 घंटा वेट कर लो, मैं तुमको पेमेंट करता हूँ और वीडियो पब्लिक करवाता हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है एक दो घंटा मैं वेट कर लेता हूँ, फिर तुम मुझे मैसेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों यहाँ पे 5 घंटा मैंने फिर से वेट किया, मतलब आप समझ सकते हो कि मेरा भी कंटेंट उस पर था और मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे एक वीडियो अपलोड करने की, बट यहाँ पे उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब लेट हो चुका था अपना कंटेंट को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो फिर मैंने बोला ठीक है थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पे रात का 8 बज चुका था। फिर मैंने उसको डायरेक्टली एक बार कॉल किया कि तुम क्या करोगे, कब पेमेंट करोगे, कब वीडियो पब्लिक करवाना है। तो फिर उनका एक मैसेज आता है कि पेमेंट नहीं करूंगा, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पेमेंट करने वाला नहीं हूं।
फिर मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता। फिर मैंने उसको डायरेक्टली मैसेज किया कि तुमको मजाक सूझ रहा है यहाँ पे कुछ भी मजाक नहीं चल रहा, ठीक है, तुम वीडियो बनवाया है, तुमको पेमेंट करवाना पड़ेगा और मैं वीडियो को पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला तुमको जो करना है कर लो, तुमको कुछ भी करना है कर सकते हो, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। अभी काफी समय बाद एक मैसेज आता है कि मेरा जो काम था वो तो काम मेरा बन गया है, मेरा एक वीडियो का जरूरत था, ठीक है। अब मुझे वीडियो तो मिल चुका है, तुमने मुझे अनलिस्ट लिंक तो भेज दिया है, अब मैं इस वीडियो को डाउनलोड करूंगा और मैं किसी एक दूसरा चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ ये तुम्हारा वीडियो को, ठीक है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मैंने जो वीडियो उसको अनलिस्ट लिंक भेजा हुआ था उस वीडियो को वो डाउनलोड करेगा एंड किसी एक दूसरा चैनल पर अपलोड करने वाला है। तो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ चुका था। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि इतना दूर होने के बाद वो क्या बोल रहे कि ये वीडियो के इस वीडियो को मैं तो दूसरा चैनल पर अपलोड करूंगा ही, प्लस अगर तुम इस वीडियो को फिर से डिलीट करके फिर जो स्पॉन्सरशिप वाला पार्ट को काट करके फिर से अगर तुम अपना चैनल पर अपलोड करते हो तो मैं तुम्हें स्ट्राइक दे दूंगा। मतलब आप समझो कि उसके लिए इतना ज्यादा मैंने मेहनत किया, इतना वेट किया, फिर जा करके अगर ऐसा कुछ बोलता है कोई तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा, कितना ज्यादा गुस्सा लगेगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर उन्होंने डायरेक्टली बोला कि अगर तुम इस वीडियो को डिलीट करने के बाद स्पॉन्सरशिप वाला पार्ट को कट करने के बाद फिर से अगर अपलोड करते हो अपना चैनल पर तो मैं तुम्हें स्ट्राइक दे दूंगा दूसरा चैनल से, जो कि मैं डाउनलोड करके अपलोड करूंगा और मैं उसमें बता दूंगा कि मेरा जो कॉन्टेंट को चोरी किया है वो ऐसा बोल रहा था, ठीक है, जबकि मेरा अपना ही कॉन्टेंट वो चोरी कर रहा है लेकिन वो कुछ गलत तरीका को अपना करके मुझे साबित कर देगा कि मेरा कॉन्टेंट को चोरी करके ये अपना चैनल पर अपलोड कर रहा है। फिर आप लोग समझो कि मुझे उस टाइम इतना ज़्यादा मुझे घबराहट हो रहा था कि यार आप लोग समझ सकते हो, लेकिन मैंने डरा नहीं क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा डायरेक्टली कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी इतना आसान चीज़ नहीं है कि कोई भी स्ट्राइक मार देगा कुछ भी कर देगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना मेहनत था। फिर मैंने उसको डायरेक्टली मैसेज कर दिया कि तुमको जो करना है कर लो, स्ट्राइक मारना है जो करना है कर लो, क्योंकि इतना तो आसान नहीं स्ट्राइक मारना, अगर तुमको मारना भी है तो तुम मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मुझे पता था कि कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आज मैं यूट्यूब पर टैग चैनल चला रहा तो थोड़ा बहुत तो मुझे नॉलेज है ये सब के बारे में। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको बोल दिया कि तुमको जो करना है कर लो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम ज्यादा करेगा तो दिक्कत होने वाला, ठीक है। तो फिर उसको मैंने ये मैसेज करके और छोड़ दिया और ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा उसके लिए मैंने मेहनत किया, वेट किया उसके पीछे, कम से कम तो 10 घंटा उसके पीछे वेट किया, जो कि मैं जितना भी स्पॉन्सरशिप करता हूँ इतना कोई भी वेट नहीं करवाता है, लेकिन उसके लिए मैं इतना ज़्यादा वेट किया। फिर अगर कुछ ऐसा बोलता है तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज़्यादा गुस्सा लगेगा और क्या कुछ नहीं करने का मन करेगा, ठीक है। तो फिर दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है आज की डेट में यहाँ पे सोशल मीडिया पे स्पॉन्सरशिप का लालच देकर आप लोगों को कुछ ऐसा किया जाएगा। अगर आपका एक छोटा चैनल है तो छोटा चैनल पर तो मोस्टली ये चीज होगा ही, अगर आपका मेरा तरह चैनल है 500 600 700 800 1000 तक अगर आपका व्यू जाता है तो कुछ आपको इस तरह का फंसाया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि मैं तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक दे दूंगा। ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों आज के डेट में सोशल मीडिया पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे कि पता होगा कि आज के डेट में काफी सारे ऐसे स्कैमर निकल चुके हैं, कोई भी यहाँ पे आपका चैनल को डिलीट करवा देता है, कोई भी फेक स्टैक दे देता है, कोई भी, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज्यादा आज के डेट में यहाँ पे सोशल मीडिया पर काम करना रिस्की हो चुका है कि यार क्या ही बोलूं। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इतना मेहनत करके एक कॉन्टेंट बनाता हूँ, उस कॉन्टेंट पर अगर कोई भी ऐसा दबाव डालता है कि तुम्हारे वीडियो पर स्टैक डालवा दूंगा या फिर ऐसा कुछ, तो फिर कितना ज्यादा बुरा लगता है, कितना ज्यादा गुस्सा लगता है, वो तो एक क्रिएटर ही समझ सकता है। सो आज का इस वीडियो को बनाने का मकसद कुछ ये था कि अगर आप एक छोटा क्रिएटर हो या फिर कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, कितना भी छोटा क्रिएटर हो, बस आप लोग को ये सभी मैसेज पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग को ऐसा कुछ भी मैसेज आता है स्पॉन्सरशिप का तो आपको कोई भी आपको रिस्पॉन्स उसको मतलब मैसेज करना ही नहीं है। आप लोग समझ लेना कि ये एकदम 100% स्कैमर है एंड ये आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला है, आपको पैसा के नाम पर कुछ भी नहीं देगा, प्लस आपको यहाँ पे एक टेंशन देकर के चला जाएगा। तो ये चीज आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैमर का संख्या बढ़ चुका है और यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे YouTube पर काम करना रिक्सी हो चुका है। सो गाइस आज के इस वीडियो में कुछ इतना दूर था एंड उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी नीचे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोग कैसा लगे, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम के काफी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के फॉलो भी कर सकते हो या फिर यूजर नेम bitomodal.07। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।